Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, चिराहा है पिक्चर पांडे. एज यू नो कि भाई डायरेक्टर्स कट में इस साल के जो सबसे पॉपुलर डायरेक्टर थे, जिनके काम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, उन डायरेक्टरों के साथ मुलाकात हो रही है. इस समय मेरे साथ में निखिल अडवाणी मौजूद हैं, जिन्होंने भाई एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, वेब सीरीज दी हैं, चाहे वो एम्पायर की बात करूं या फिर मुंबई. भाई बता दूं आपको कि मुंबई में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटना के पीछे इतनी सारी कहानियां थी, वो एक साथ मुंबई डायरी में लेकर आए हैं. एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है निखिल आपका. कैसे हैं आप? थैंक यू अनुराग, लॉन्ग टाइम. मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट हम लोग इस बहाने बात तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके स्टूडियो पे आता रहता हूं. बिल्कुल बिल्कुल. मैं जानबूझ के सेगमेंट इसलिए शुरू किया मैंने कि हिंदुस्तान के डायरेक्टरों को सेलिब्रेशन बहुत कम वक्त मिलता है और मौका मिलता है कि उनको सेलिब्रेट किया जाए. बाकी तो क्या है कि एक्टर आते हैं जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो अपने क्राफ्ट में इतना तल्लीन रहता है कि वो प्रमोशन पे ध्यान ही नहीं दे पाता है. हाँ बिल्कुल. और अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, शोरन भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो और भी कम टाइम मिलता है. पर आपका ये साल तो भाई बहुत कमाल का रहा. मतलब आपने लॉकडाउन का पूरा फायदा आपने उठाया, मुझे ऐसा लग रहा है. जी अनुराग, हम लोग ने एमए एंटरटेनमेंट में जो मेरी कंपनी है, जो 10 साल पहले हमने शुरू की थी, हम लोग ने डिसाइड किया कि लॉकडाउन को हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली यूज करेंगे, क्योंकि ये जो नया तरीका है जूम का और वर्क फ्रॉम होम का, तो हमने कभी काम बंद ही नहीं किया. हम लिखते गए, प्लान करते गए, प्रेप करते गए, जिस भी तरह से हम लोग पोस्ट भी कर सकते थे. तो हमने मुंबई डायरीज का एक्चुअली पोस्ट पूरा लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था. तो आर आइडिया वाज कि जिस तरह जैसे लॉकडाउन खुले और काम वापस शुरू हो जाए, वी शुड बी रेडी टू गेट द बॉल रोलिंग. बिल्कुल. मतलब बहुत ही कमाल के तरीके से अगर आप देखा जाए तो आप पूरे इस साल, मतलब आपके लिए बड़ा ही कमाल रहा. मतलब सत्यमेव जयते 2 की बात करूं, बेल बॉटम की बात करूं, है ना, इधर मैं एम्पायर की बात कर लूं, मतलब कमाल है. मतलब ये कैसे, अच्छा एक एक विषय पे बात करते हैं, चलिए एक एक मुद्दे पे बात करते हैं. मतलब चलिए मैं बात करूं अगर बेल बॉटम की, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी द लकी थिंग अबाउट बेल बॉटम ना अनुराग, ये था कि जब हमने स्क्रिप्ट डेवलप की रंजीत तिवारी, असीम अरोरा और परवेज के साथ, और जब मैंने अक्षय कुमार को फोन करके स्क्रिप्ट सुनाया था, तो अक्षय को पसंद आया. अक्षय ने कहा कि हम लोग ये, मतलब उसने कुछ डेट्स दे दी और फिर लॉकडाउन हुआ. और लॉकडाउन के टाइम पे हमारे जो को प्रोड्यूसर थे, जो वासु भगनानी जी और जैकी भगनानी, उनका खुद का काफी बड़ा ऑफिस और उनका काफी बड़ा प्रोडक्शन का सेटअप जो है वो लंदन में. तो सब जानते कि वासु जी बहुत ही दिल्लेर प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चार्टर कर लूंगा, सबको लेके जाऊंगा वहां पे, वापिस शूट करूंगा, फिर VFX करूंगा, ग्लासगो को मैं दुबई दिखा दूंगा. तो मतलब इट वाज एक्चुअली अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर समबडी लाइक अस, जो पिछले 10 साल से हम लोग ने प्रोडक्शन शुरू किया, उन्होंने तो 30 साल प्रोडक्शन करते आ रहे. तो आई थिंक बेल बॉटम का जो पूरा क्रेडिट एक्चुअली शुड बी गिवन टू वासु भगनानी एंड हिज प्रोडक्शन टीम. Also, I think, मतलब जिस तरह से अक्षय को रोका नहीं जाता है ना, मतलब आपने बोल दिया कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, वो ये ले लेगा. अगर ऊपर से एक एनर्जी फ्लो होती है, एक ऊपर से, मतलब सबसे टॉप आदमी से एक किस्म का एक कॉन्फिडेंस फ्लो हो जाता है, तो पूरा वो सबको साथ में लेके जाता है. यू नो, सो आई थिंक अक्षय एंड वासु जी नीड टू बी गिवन ऑल द क्रेडिट अलॉन्ग विद रंजीत टीम फॉर बेल बॉटम. वाह, तो अगर बेल बॉटम की बात करूं तो आप कौन से स्क्रिप्ट में, कौन सी ऐसी कमाल 2 या 3 पॉइंट्स बोलना चाहेंगे उस फिल्म के अंदर, क्या कमाल का लगा आपको कि तब तक आपने कहा कि यार ये फिल्म बनानी चाहिए, बनूंगा, इसके साथ जुड़ूंगा मैं? देखिए सब जानते कि मतलब डीडे हो, बाटला हाउस हो, मुंबई डायरीज हो, या POW बंदी युद्ध के जो मैंने स्टार प्लस के लिए बनाया था, तो सब जानते हैं कि मतलब वो उस किस्म का सब्जेक्ट जो रिसर्च और एनालिसिस बीइंग रॉ, ISI, इंडिया पाकिस्तान, मुझे काफी मतलब दिलचस्प लगता है. मुझे, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. तो जब रंजीत और असीम और परवेज ने वो सब सब्जेक्ट लेके आए थे, आई फाउंड इट वेरी इंट्रीगिंग. प्लस कि हालांकि इंस्पायर्ड थी ट्रू स्टोरी से, अगेन मुझे लगा कि अगेन दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई लाइक टू बी इन्वॉल्वड इन, द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक टू मेक, वेदर मुंबई डायरीज हो या बाटला हाउस हो. प्लस एक इन द केस ऑफ बेल बॉटम देयर वाज अ स्पेशल लकी मैस्कॉट फॉर अस, क्योंकि मैंने एयरलिफ्ट किया था अक्षय के साथ.
जिसमें एयरप्लेन था और बेल बॉटम में भी एयरप्लेन था, तो दोनों हम दोनों ने कहा कि यार इस पे इसी पे करते हर पिक्चर, हम एरोप्लेन पे ही करते मतलब नहीं, पर निखिल मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप बहुत कम ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों में से एक आते हैं जो कि वाकई बहुत फोकस्ड हैं, बहुत ही तल्लीन हैं और इसको बिजनेस भी समझते हैं और इसको अपना यू नो अपना आर्ट और कला को बहुत सिंसियरिटी से लेते हैं। मतलब मैं आपको पुराने पूरे बायोग्राफी देख लीजिए आप अपनी उठा के, मतलब मानना पड़ेगा जेन्युइनली मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से। आप इस प्रकार के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई विचलित कर सकता है कि यार यार ये फिल्म नहीं चलती है, ऐसा नहीं होता है, वरना क्या आधे ज्यादा डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ऐसे ही परेशान रहते हैं बेचारे, यार ये चलेगी नहीं चलेगी छोड़ो यार, आधी बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट यू आर ए सो सिंसियर कि जितनी तारीफ करूं उतना कम। तो ये कहां से लेके आते हैं इतनी एनर्जी और इतना फोकस? आई थिंक उसका स्ट्रेंथ या उसकी क्रेडिट जो है ना, हम मेरी प्रोडक्शन को दिया जाए, आई वुड लाइक टू गिव इट टू माय प्रोडक्शन, माय पार्टनर्स इन माय प्रोडक्शन, मनीषा अडवाणी जो मेरी बहन है और मधु भोजवानी जो मेरी मेरी बहुत ही मतलब बचपन की दोस्त है, जो दोनों हम मेरी प्रोडक्शन ये करते हैं, दे रन माय प्रोडक्शन फॉर मी। क्योंकि क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे जब मुझे अगर कोई जो आजकल लोग कहते हैं हटके वाली स्क्रिप्ट या हटके वाली सब्जेक्ट मुझे मुझे कोई आके सुनाता है एंड आई गेट एक्साइटेड बाय इट, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि मतलब उसका कमर्शियल वायबिलिटी या उसका उसका ये क्या है। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब जब मधु जो मेरी प्रोडक्शन रन करती है वो आके मुझे कहती है कि मतलब ये बनाने के लिए यू हैव टू मेक इट इन नॉट से x crores, but you have to make it an x minus y crores. आपको कम करना पड़ेगा। तो उस I think that जो जो एक एक किस्म की तरह से क्रिएटिव पे बैठना, उसको थोड़ा you know समझना, उसको उसको डायरेक्टर को समझाना या खुद समझना कि ये सारे सीन्स इंपॉर्टेंट है, इस सीन्स में हमें थोड़ा उसको इस तरह से ट्रीट कर सकता है जहाँ पे थोड़ा पैसा बच सकता है, बट अल्टीमेटली द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो सब्जेक्ट का, क्योंकि बिकॉज आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट टू टेल स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड। यू नो एयरलिफ्ट एक कहानी है जिसको मुझे 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 लगा कि हमें उसे बताना चाहिए। मुंबई डायरीज आई वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट इट, POW आई वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट द फैक्ट इट इज अ स्टोरी अबाउट नॉट प्रिजनर्स ऑफ वॉर, हम लोग कहते हैं जो जो सारे सोल्जर्स जो जो एक्चुअली बॉर्डर के उस पार खो गए हैं या कैप्चर हुए हैं, बट समवेयर ऑफ द अदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर मेरे लिए वो फैमिलीज भी थे जो यहाँ पे उनके 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 उनका इंतजार कर रहे कि वो लोग वापस कब आएंगे। तो दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई लाइक टू डू एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अभी जो हम आगे भी 2022-2023 में जो हमारे जो अनाउंसमेंट्स आएंगे, आप देखोगे कि देयर विल बी यू विल आस्क द सेम क्वेश्चन अनुराग कि ये मतलब पागल है, इस पे कैसे बना रहे। तो अगर मैं बात करूं, चलिए मुंबई डायरी की बात करता हूं, क्योंकि मुंबई डायरी तो बहुत बड़ी है, इसका 21 सीरीज बनाने वाले हैं कि और भी इसके एपिसोड्स आने वाले हैं? जी अभी सीजन 2 आएगी, सीजन 2 का काम शुरू है, मार्च या अप्रैल में उसका शूटिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुंबई डायरीज तो इतनी बड़ा हो सके, मुंबई शहर तो भाई कंटेंट का अड्डा है, चाहे आपने एक 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 इंसिडेंट दिखाया है, ऐसे तो अभी आपको गैंगवार दिखाना चाहिए, अभी तो आप क्या क्या नहीं दिखा सकते। नहीं मुंबई डायरीज एक्चुअली एक मेडिकल थ्रिलर है ना, एक मेडिकल शो है, इट्स अबाउट हॉस्पिटल। मुंबई डायरीज की कहानी हॉस्पिटल की कहानी है, डॉक्टर्स नर्सेज वार्ड बॉयज वगैरह की कहानी। मैं सबको जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उसे पसंद आया, जिन्होंने इतनी तारीफ और लव दिया है शो को, उनको सब लगा कि लॉकडाउन की वजह से मैंने ये शो बनाया, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हमें एक्चुअली एहसास हुआ कि डॉक्टर्स और नर्सेज और वार्ड बॉयज और हॉस्पिटल स्टाफ उनकी अहमियत क्या है। बट ये एक्चुअली 2020 फरवरी में हम लोग ने शूटिंग खत्म किया था, तो 2018 आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद द नोशन ऑफ डूइंग अ मेडिकल शो, डूइंग अ मेडिकल थ्रिलर। और मैं एक मेडिकल थ्रिलर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करना चाहता था, यू नो आई वांटेड टू डू इट जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो फैसिलिटीज है, ना तो पैसे है उनके पास, ना तो उनके पास टाइम है, इतने सारे पेशेंट्स है। अगर आप देखा जाए मुंबई का सबसे बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है JJ हॉस्पिटल है, जहाँ पे हर दिन अनुराग 1200 बेड्स है और 300 एडमिशन। बाप रे। तो वहां के जो डॉक्टर्स नर्सेज वार्ड बॉयज जो है वो एक 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 किस्म से मतलब वो एक वॉर जोन में वो काम करते हैं।
तो अगर वो उनका वो हर दिन एक वॉर जोन की तरह है, मैंने सिर्फ सोचा कि उसको मैं एक वो लेट मी नॉट शो यू एज एन ऑर्डिनरी डे, लेट मी शो यू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे। और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे इस शहर का 26/11 था। तो अगर अभी अगर आप आगे जाओगे तो वही कैरेक्टर्स आप देखोगे एक दूसरे किस्म के मुंबई में जो डिजास्टर हुआ था। तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज कि मुंबई एक डिजास्टर से वो किस तरह से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, वो डिजास्टर मुंबई को खत्म करने की किस तरह से कोशिश कर रहा है, और उसके जो हीरोज हैं जो हम लोग एक्चुअली कभी हीरोइक समझते नहीं है, डॉक्टर्स, फायरमैन, पुलिस, वो कैसे इस शहर को इस शहर को बचाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम देयर इज द होल आइडिया बीइंग की द लॉग लाइन ऑफ द शो इज की समटाइम्स दोज हु आर मेंट टू हील आर द मोस्ट ब्रोकन। तो डॉक्टर्स के खुद के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, जो उनकी खुद पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, वो क्या अपने आप अपनी तरह से डील कर रहे हैं, एंड वो कभी हमें दिखाते नहीं है क्योंकि हम वो पेशेंट को कभी दिखा नहीं सकते। दे डोंट हैव द लग्जरी ऑफ शोइंग दैट टू अ पेशेंट। दैट इज व्हाट द शो इज अबाउट। सो इट्स अ मेडिकल थ्रिलर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी अ मेडिकल थ्रिलर। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जहन में कैसे आया कि यार मुझे इस पे कहानी बनानी है? अनुराग, आई लव मेडिकल थ्रिलर्स। मैंने एक शो में हॉलीवुड में एक शो है ईआर, शिकागो होम, शिकागो मेड, मुझे सारे वो मतलब मुझे उसकी एनर्जी बहुत पसंद है। मुझे आई लव द फैक्ट कि मतलब ये लोग एक रोमांटिक सीन चल सकता है, बट वो लोग एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं किसी की जान बचा रहे। तो आई लव दैट वो लेयरिंग कि एक्चुअली साइमल्टेनियस लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीथिंग, लाइफ ऑलवेज कंटिन्यूज। तो मुझे वो पेस, वो एनर्जी, वो और इसलिए जब आप मुंबई डायरीज देखोगे, वन ऑफ द बिग हीरोज ऑफ मुंबई डायरीज इज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कौशल शाह, जो स्टडी कैम ऑपरेटर है लक्ष्मीश, मेरे जो एक्टर्स है, क्योंकि मतलब एक्चुअली 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट के लंबे टेक्स है, क्योंकि वी वर कॉन्स्टेंटली रन। जो प्रोडक्शन डिजाइनर है प्रिया सुहास, जिसने उस तरह से सेट बनाया जहाँ से मैं एक रूम से दूसरे रूम से निकल के दूसरे रूम से तीसरे रूम जा सकता हूँ, तीसरे रूम से वापस पहले रूम में वापस आ सकता हूँ। सो दैट्स द वंडरफुल आई थिंक एनर्जी ऑफ द शो। क्या बात है। तो जैसे मुंबई डेयरीज की हमने बात कर ली, उसी तरह से एम्पायर एक ऐसा सीरीज जिसने सबको अचंभित कर दिया, कोई समझ भी नहीं पाया कि यार ऐसा भी हो सकता और ऐसी कहानी भी हो सकती है। तो ये कहां से ज़हन में आया आपके कि यार इस पर कहानी बनानी चाहिए? I think उसका क्रेडिट वापस मैं देना चाहूंगा उदय शंकर, जो पिछले जब सीईओ थे फॉक्स के, जब मैंने पीओडब्ल्यू फिनिश किया था फॉक्स स्टार के लिए, तो उस टाइम पे गौरव बनर्जी, उदय शंकर और अब निखिल मधोक स्वागत हो, जो हालांकि अभी दूसरे कंपनी में चले गए, उन्होंने मुझे कहा था कि व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू मेक नेक्स्ट। और मैंने कहा था कि मैं 100% रॉ पे नहीं बनाना चाहूंगा, स्पाइस पे नहीं बनाना चाहूंगा, इंडिया पाकिस्तान पे नहीं बनाना चाहूंगा। एंड दे फेल्ड कि उनके पास एक बुक के राइट्स थे, द एम्पायर ऑफ द मुगल्स, जो मुगल एम्परर्स पे कहानी थी। और मैंने वो बुक पढ़ा, और जब मैंने बुक पढ़ा मुझे लगा मुझे द इम्पोर्टेंट द इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट जो जिसने अट्रैक्ट किया कि एक्चुअली एज ए स्टूडेंट इन इंडिया यू लर्न अबाउट ऑल द किंग्स, एम्परर्स के बारे में आपको 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 मतलब यू नो वेदर इट इज अकबर और वेदर इट इज शाहजहां और वेदर इट इज चंद्रगुप्त मौर्य, बट यू नेवर लर्न अबाउट द वाइव्स और द सिस्टर्स और जो उनकी कहानियां क्या। और वो एम्पायर ऑफ द मुगल्स में वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली कि द पावर लाइज विद द वेमेन हुआ बिहाइंड हुआ कंट्रोलिंग द मेन। और वो मैं दिखाना चाहता था, इसलिए द शो इज नॉट कॉल्ड द एम्परर, इट्स कॉल्ड द एम्पायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर इसका कई बार आपने इसका विरोध भी झेला, मैंने सुना कि काफी लोगों ने विरोध भी किया कि आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं पूरे इस कैरेक्टर को। देखिए, ग्लोरीफाई करना है या नहीं करना है वो मेरे ऊपर नहीं है। मैं एक बुक पे जो बुक पे आधारित जो बुक की बुक के बुक पे लिखा है, वी वर टोल्ड टू फॉलो द बुक, तो वी फॉलो द बुक। अभी अगर बुक उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग जो बाबर जो है वो एक्चुअली कुछ करता नहीं है, ही इज एक्चुअली अ वेरी वीक किंग इन द शो। बाकी सब उसकी ग्रैंड मदर, उसकी बहन, उसकी बीवी, सब उसके लिए डिसीजंस लेते रहते हैं। उसके जो सेनापति है, जो राहुल देव प्ले कर रहे, सब उसके लिए डिसीजंस ले रहे। वो एक्चुअली बहुत ही हाउ डू आई पुट इट, ही इज नॉट समबडी हु इज वेरी डायनामिक। तो मतलब हमने वो भी दिखाया है
यू नो एक किंग जो मतलब जिसको जो दुनिया को लगता है कि ये सबसे मतलब ये था वगैरह, ही वाज एक्चुअली वो बहुत ही वो कॉन्फ्लिक्टेड था। उसे एक्चुअली पोएट बनना था अपने बाप की तरह, और उसकी ग्रैंड मदर उसे एक वॉरियर बनाने की कोशिश कर रहे, तो वो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड इंसान था। तो आपको ऐसा लगता है कि जी जी, तो ये इसको कंटिन्यू रखेंगे आप, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसका कंटिन्यू आप सीक्वेंस बनाते रहें, सीक्वल, बिकॉज क्या है कि इतना बढ़िया प्रोडक्शन, इतना बढ़िया एक्टर, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो एक प्रोड्यूसर बना रहा है, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप करना जाएंगे, आप लोग करेंगे, क्या होगा? आपके मतलब बिल्कुल हम चाहेंगे कि कंटिन्यू करें, बट एक्चुअली क्या है कि हॉटस्टार हैज द राइट्स ओनली फॉर सीजन 1, तो आई थिंक वो लोग निगोशिएट कर रहे हैं सीजन 2 सीजन 3 के राइट्स के लिए। ओके, जो भी हो यार, देखो ये टेक्निकल चीजें मुझे मालूम नहीं कौन किसके पास क्या राइट्स हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं एज ए ऑडियंस कि भाई हिंदुस्तान को ये जानना बहुत जरूरी है कि यार ऐसा भी हुआ था, और आज की तारीख में इतने ग्लैमरस वे में जो आपने दिखाया है, रियली थैंक यू, एंड कमाल की शूट किया आप लोगों ने, करेक्टराइजेशन कमाल किया, फिर शबाना जी को देखिए आप, कुणाल को देखिए आप, उसके बाद पुराने के एक्टर को आप लेके आए, वो भी विलन के रूप में, ओहो हीरो था वो लोगों के दिल का। ये कास्टिंग कहां से आई? आई थिंक डीनो, दृष्टि, राहुल देव, कुणाल, शबाना जी, उन्होंने माइंड बॉगलिंग काम किया, इमाद, उन्होंने सुपर काम किया, एंड फुल क्रेडिट अगेन शुड बी गिवन टू मिताक्षरा कुमार, जो जो उनकी उनका डेब्यू था, वो एसोसिएट डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली के साथ। तो मतलब इट वाज जब मुझे जब फाइनली द टाइम केम टू मेक द शो, इट बिकेम ऑब्वियस फॉर मी कि मतलब ये इस किस्म को शो के इस पैमाने पे बनाने के लिए, क्योंकि क्या है ना अनुराग, आई हैव नाउ बिकम वेरी माई थॉट प्रोसेस इज रियल, कितना रियल बना सकते हैं, कितना रियल बना सकते हैं, इसको कितना ये कर सकते हो, उसको कितना ग्रंजी कर सकता हूँ, उसे कितना मतलब, तो आई डिडंट वांट द शो टू सफर विद माय विजन। तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग समबडी जो जो जिन्होंने इस तरह के काम किया है, इस तरह के फिल्म्स उन्होंने जिसपे उन्होंने काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं कि अगर राइट्स मिल जाते हैं, तो मेरी दिली तमन्ना है कि प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखिए, और बहुत जरूरत है हमारे हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अगर मैं बात करूं कि 2021 की, तो आपके हिसाब से आपको कौन सी बेस्ट फिल्म लगी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो, जो आपने देखी हो? ऑफकोर्स आप बिजी थे यार 2021 में, तो मतलब फिल्म का जो लगी नहीं लगी, मतलब मैंने एक्चुअली इतना काम कर रहा था यार अनुराग, मैंने फिल्म देखने की देखी नहीं है, पर मैंने हालांकि कल ही 83 देखी है, जो कबीर खान ने बनाया है। ओके, एंड आई वाज बोल्ड ओवर, आई मीन आई एम नॉट पन इंटेंडेड, वो जिस तरह से रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार निभाया है, जिस तरह से कबीर ने बाकी 10 प्लेयर्स, वेदर इट इज मोहिंदर अमरनाथ, वेदर इज रॉजर बिनी, वेदर इट इज बलविंदर संधू, वेदर इज यशपाल शर्मा, सबको जिस तरह से उसने उनकी कहानी हमें बताया है, जो फील्ड के बाहर हो रहा था, फैंटास्टिक जॉब, आउटस्टैंडिंग जॉब। क्या बात है। अगर मैं फिल्म की बात करूं, और एक्टर की बात करूं, तो 2021 का कौन सा प्रॉमिसिंग एक्टर लगा, और किस फिल्म में लगा, और क्यों लगा? I got the opportunity actually in 2021 to work with people like Shabana ji, जिसके साथ में थोड़ा मतलब, I mean she is great, and I got an opportunity to work with Richa Chadda, क्योंकि मैंने unpaused apartment एक 25 minute का short film किया था Richa Chadda, and I got a chance to work with Konkana Sen. तो for me, I mean my favorite are these three, you know, I could not have asked for better. क्या बात बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करना चाहूँ कि डायरेक्टर की अगर बात करूं, तो आपके हिसाब से 2021 का बेस्ट डायरेक्टर आपके हिसाब से कौन है? देखिए अवार्ड होंगे, जाएंगे आएंगे, लेकिन आपने जिनकी फिल्म देखी और आपको लगा कि यार डायरेक्शन के मामले में इसने कमाल कर दिया, यार कौन है वो? मतलब आई फील कि मतलब क्योंकि हम लोग अभी 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं 2020 में जो प्रतीक गांधी ने जो किया था स्कैम में, और जो हंसल ने जो किया है, हंसल मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम दोनों सब हम सब सब सुधीर मिश्रा के चेले एक टाइम पे सब थे और अभी भी है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर एन आउटस्टैंडिंग जॉब, जिस तरह से उन्होंने फ्रेम 1 से एंड लास्ट फ्रेम तक उसने 10 एपिसोड में जो उसने और जय जो उनके जो साहबजादे हैं, जो उनके जो बेटे हैं, जो उन्होंने उन्होंने उन दोनों ने जिस तरह से मतलब उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को निभाया है, उस सब्जेक्ट को उसने जो जिस तरह से मतलब एक तरह से आपको लगा कि
वो आप 1975 की दीवार देख रहे हो, वही विजय, वही डायलॉग बाजी, वही ब्रावाडो, वही करेज, वही मतलब रिस्क टेकिंग, सो आई जस्ट फील की फुल मार्क्स, आई थिंक इन अ वेरी लिटिल, आई मीन व्हाट एवर वी से अबाउट हंसल एंड व्हाट ही डिड विद स्कैम, और उन्होंने एक बेंचमार्क जो 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 क्रिएट किया है समीर नायर अपलॉस अपलॉस के साथ, और दानिश सोनी सोनी लेव के साथ, उन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट कर किया है जिस जिस जो हम सब मतलब इफ देयर इज वन डायरेक्टर हु सेइंग दैट दे आर नॉट जेलस ऑफ हंसल मेहता टुडे देन दे आर वेरी वेरी देन दे आर ऑल लाइंग टू यू, वी आर ऑल ट्राइंग टू बीट हंसल टुडे। वेरी गुड, बहुत जेन्यून आंसर दिया आपने। तो एक बात बताइए कि अधिकतर ऐसा होता है ना कि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, आपको क्या मानना है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्टर है भाई साहब, एक से बढ़कर एक म्यूजिक डायरेक्टर है, एक से बढ़कर एक डायरेक्टर भी है, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसरों की कमी है। जो बेसिकली जो प्रोड्यूसर होता है वो होता है प्योर कास्टिंग करने वाला, कि भाई ये डायरेक्टर कौन होगा, इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, एक्टर कौन होगा। तो जो आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी प्रोड्यूसरों की कमी है? नहीं, मुझे मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंडस्ट्री में, तो हम लोग इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि कौन प्रोड्यूसर क्या किस तरह से क्या कर रहे हैं। द प्रोड्यूसर्स जॉब इज अ वेरी थैंकलेस जॉब, प्रोड्यूसर सब है अनुराग, इट्स जस्ट दैट कोई उन्हें बुलाता नहीं है, उनको 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 इंटरव्यूज करवाते नहीं, राइट? मतलब बट इफ यू लुक एट आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, दिनेश विजयन, रितेश सिद्धवानी, यू जस्ट डू, आई मीन राकेश रोशन, विधु विनोद चोपड़ा, दे आर ऑल वन, दे आर ऑल ग्रेट, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रॉनी स्क्रूवाला, दे आर, मैं नाम्स लेके कीप टेकिंग नेम्स, समीर नायर जो अभी अभी अपलॉज इज ऑल्सो गेटिंग इन टू फिल्म्स, मेकिंग फिल्म्स ऑल्सो। सो एज ए प्रोड्यूसर, सी आई हैव लर्न प्रोडक्शन, मैं अभी भी जब भी मैं एक प्रोडक्शन मीटिंग में बैठता हूँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यश जोहर क्या करते, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन यश जोर से सीखा है। यश जोर जो जो एक जूनियर प्रोडक्शन मैनेजर के जो जो जूनियर प्रोडक्शन मैनेजर थे मुगले आजम, फ्रॉम देयर टू हैव रिजन टू बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन बॉलीवुड, उनकी जो कहानी है, उनकी जो जर्नी है, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू बी विद हिम एंड अंडरस्टैंड विद हिम कि प्रोडक्शन क्या होता है, सो फॉर रियली एक प्रोडक्ट, एंड ही विल टेल यू, उसका प्रोड्यूसर का काम बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ एक्टर के साथ एक्टर को चुनो और डायरेक्टर को चुनो और डीओपी को चुनो वगैरह वगैरह। प्रोड्यूसर का काम ये भी है कि जब जब पूरा क्रू, बी क्रू, स्पॉट बॉय, सेटिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप वगैरह एयरपोर्ट पहुंचते, तो ही शुड बी देयर टू 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 वेलकम देम, ही शुड बी देयर टू सेंड देम अवे, राइट? ही शुड बी, ही इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। So that is something that I have learned. So yes, and the wonderful thing about this industry, you know, आप किसी भी किसी technician को भी पूछ लीजिए या producer को पूछ लीजिए, which is the one producer they admire, it is Yash Jor. So yes, I think the producers are there, and or Yash Jor का भी आप he was always a man in the background. He always was one step behind. बाकी सब उसका star, उनके star cast, उनके उनके डायरेक्टर, उनके म्यूजिक डायरेक्टर, उनके उनके एवरीबडी, उनके राइटर सलीम जावेद, ने उनके उनके लिए कहानियां लिखी थी, दे विल ऑलवेज बी इन द फ्रंट, ही वाज ऑलवेज वन स्टेप बिहाइंड। सो प्रोड्यूसर इज इन माय ओपिनियन इज द बैकबोन। मेरे हिसाब से तो प्रोड्यूसर ही सब कुछ होता है, क्योंकि वहीं से ही वो शुरुआत करता है, बीच पॉइंट वही लेके आता है, वही कहानी। रीढ़ की हड्डी होती है, होता है प्रोड्यूसर रीढ़ की हड्डी, उनके उसके बिना आप खड़ा नहीं रह सकते। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मानते नहीं है ना भाई साहब, इतने कमाल के एक्टर हैं, वो अपने आप को ही खुदा मानने लगते हैं, डायरेक्टर खुदा मानने लगते हैं। नहीं मानते यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, सब मानते। अरे कहाँ, मैं तो देखता हूँ ना यार, इतने प्रोड्यूसर बेचारे बोलना नहीं चाहिए, लड़की का बाप हो जाता है फिल्म के एंड एंड तक, तो चप्पल में घूमता रहता है बेचारा वो कि भाई फिल्म निकाल दो कैसे भी करके आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे आप? अनुराग, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो अब एक मोड़ पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे मतलब अभी भी चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि सिनेमाज और थिएटर्स क्या वो खत्म हो चुके हैं, इज एवरीथिंग गोइंग टू डिजिटल, इज इट ऑल गोइंग टू बी ओटीटी वगैरह वगैरह। आई थिंक दैट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वी आर एट अ क्रॉस रोड, राइट? वन हैज टू अंडरस्टैंड कि यशराज जो सबसे बड़ी कंपनी है इस फिल्म इंडस्ट्री की, राइट, दे हैव क्लोज टू 2000 crores invested in cinema. आदित्य चोपड़ा एक एक सिली आदमी नहीं है, वो बहुत ही
क्लेवर पर्सन है, विजनरी आदमी है, एंड ही हैज मेक द ही हैज पुट दिस इन्वेस्टमेंट बिकॉज ही नोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ दिस थिंग ऑफ पीपल, पीपल आर गोइंग टू गो व्हेन दे गो. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट अबाउट वैक्सीनेटिंग, बट राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बी मेकिंग, टू बी टेलिंग स्टोरीज. और जैसे आपने कहा था, जैसे अभी वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन विद कि आई डोंट स्टिक टू दिस होल मेन स्ट्रीम कमर्शियल वगैरह वगैरह में, वो हम वो भी करते सत्यमेव जयते टू, हमने हम सत्यमेव जयते टू भी बनाया है, हमने एलएफ भी बनाया है, हमने बाटला हाउस भी बनाया है. सो वी मेक डिफरेंट. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स द बेस्ट टाइम टू टेल स्टोरीज, और वही करना चाहिए. क्या और मतलब और लगन के साथ करना चाहिए. क्या बात, एक ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए. बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया. बहुत सारी आने वाली आपके प्रोडक्शन के लिए अभी से ही बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं. जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मतलब जनवरी आ रही है, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी. इट्स बीन अ टफ ईयर, आधा साल चला गया वापस लॉकडाउन में, बट होपफुली आप वैक्सीनेट कीजिए, सेफ डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जो भी नॉर्म्स है वो से फॉलो कीजिए. और जनवरी में हमारे दो बड़े शोज आ रहे हैं, एक Z5 पे अप्लॉज के साथ हमने कहा, हमने बनाया है, नसीरुद्दीन शाह, रघुबीर यादव, लारा दत्ता, सोहा अली खान, कृतिका कामरा, आन्या सिंह, साइरस सावकर, सब है उसमें. बहुत ही डायरेक्टेड बाय टू वंडरफुल यंग डायरेक्टर्स, गौरव चावला एंड अनन्या बैनर्जी. और फिर 21 जनवरी को हम एक बहुत ही वंडरफुल शो शायद हम लाने की सोच रहे हैं, जो है रॉकेट बॉयज, जो इस जो होमी भाभा और विक्रम साराभाई, जो सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, उनकी जो कहानी है 1942 से लेके 1974 का, तो वो भी लेके आ रहे. तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. क्या बात है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू भाई.